हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है, ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल कहां फाइल की जाती है और ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल कौन फाइल कर सकता है, इन सभी क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। और ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सितंबर 2022 में दिए गए एक लेटेस्ट जजमेंट पर भी बात करेंगे। अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, एडवोकेट हो या फिर आप लीगल जानकारियां सीखने में इंटरेस्टेड हो या फिर आप ऐसे किसी मैटर में फंसे हो तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। आप इस जजमेंट को अपने मैटर में अप्लाई कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको लीगल जानकारियों से संबंधित वीडियो मिलती रहती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ट्रांजिट बेल या ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल को न तो दंड प्रक्रिया संहिता न किसी अन्य कानून के तहत परिभाषित किया गया है और न ही आपराधिक प्रक्रिया के कानून के तहत कोई विशिष्ट संदर्भ मिलता है। इस अवधारणा की जड़ें सीआरपीसी के तहत खोजी जा सकती है, क्योंकि अवधारणाएं न्यायाधीश निर्मित कानून है। ट्रांजिट बेल का शाब्दिक अर्थ किसी न्यायालय द्वारा दी गई ऐसी बेल से है जहां पर उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। जब न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर बेल ग्रांट करते हैं तो ऐसी बेल को ट्रांजिट बेल कहा जाता है। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति उस राज्य के अलावा जिस राज्य में वह वर्तमान में रहता है किसी अन्य राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करता है। जैसा कि ट्रांजिट शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या लाने के काम में प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल का उद्देश्य किसी व्यक्ति को तब तक बेल देना है जब तक कि वह उपयुक्त अदालत में नहीं पहुंच जाता है, ताकि यदि पुलिस गिरफ्तारी को प्रभावित करना चाहती है तो वह व्यक्ति बेल पर रिहा हो जाए। हालांकि ऐसी बेल इस शर्त पर दी जाती है कि आरोपी को जांच प्रक्रिया में सहयोग करेगा। इस प्रकार ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल एक सीमित अवधि के लिए दी गई बेल होती है। ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल ऐसे व्यक्ति द्वारा न्यायालय में फाइल की जाती है जिसको किसी अन्य राज्य में घटित अपराध में दर्ज एफआईआर में उस राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका हो। वह व्यक्ति ऐसे ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल उस राज्य के हाईकोर्ट के सामने फाइल कर सकता है जहाँ पर वह वर्तमान में रह रहा है, उस अपराध के लिए जिसकी एफआईआर किसी अन्य राज्य में दर्ज की गई हो। इस प्रकार ऊपर बताई गई विवेचना के सपोर्ट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट को लेते हैं। यह जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस राजेश सिंह चौहान द्वारा अजय अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में 30 सितंबर 2022 को दिया गया है। इस मामले में एप्लीकेंट के विरुद्ध एक एफआईआर अंतर्गत धारा 406 व 420 आईपीसी में स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में दर्ज की गई है, जबकि एप्लीकेंट उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक सम्मानित बिजनेसमैन है जिसके द्वारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल यह कहते हुए फाइल की गई कि उसे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है, इसलिए उसे ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल दी जाए। जिस पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मैटर के सभी तथ्यों का परिशीलन किया और साथ ही अन्य हाई कोर्ट द्वारा ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल पर दिए गए जजमेंट्स पर भरोसा जताते हुए एप्लीकेंट को 6 वीक के लिए ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की गई, ताकि इस टाइम के अंदर एप्लीकेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट में अप्रोच कर सके। यानी इस अपराध के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में स्थित हाई कोर्ट से है। दोस्तों, इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से जजमेंट को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हो। अपनी किसी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, जल्द ही रिप्लाई दिया जाएगा। मुझसे पर्सनली बात करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कॉल बुक करा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहें। हैव अ ग्रेट डे।